क्योंकि भाई मैं नमक में हमेशा गड़बड़ करता हूँ, तो हमेशा मैं सासा को बोलता हूँ कि नमक तू डाल दे, अगर गड़बड़ हुई तो तेरे जिम्मे पे आएगी। ओ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, गरम है वो ऐसे वाला और अमेजिंग वाला। व्हाट इज योर नेम? व्हाट माय सब जी दैट मच अच्छा है दैट इवन इंडियंस कम टू बाय हियर। ओ बारिश, हाँ यहाँ पर तो बारिश हो रही है यार। मैंने बालकनी से देखा ही नहीं, मुझे लगा कि टेम्परेचर डाउन है, सिर्फ 6 डिग्री या 7 डिग्री के आसपास हो रहा है भाई आज टेम्परेचर। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं मार्केट में और आज हम बनाने वाले हैं फूड ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल भाई कुछ बाय करने के लिए जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी यानू है कि 12 बजे बंद हो जाती है, तो हम इसलिए भाग रहे हैं भाई। एक तो काम ठीक है भाई, यहाँ पे है ना गाड़ियाँ वगैरह रोक लेते हैं जब आप पास करते हो रोड वगैरह, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे है ना ऐसी शटल वैन काम करती हैं, यहाँ पे बसें वगैरह नहीं चलती, तो हमें हमेशा यही यूज़ करना पड़ता है। और अभी हम आए हैं यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट में और हमें बाय करना है आज बहुत सारा सामान। Or for salad you taking? For salad I'm taking. For dal also you take? धनिया। यहाँ पर भाई अच्छी खासी सर्दी स्टार्ट हो गई है, सब जैकेट पहन के आए, मैं पहन के नहीं आया, अब मुझे सर्दी लग रही है। ओके यहाँ पे भाई एक लेडी थी लास्ट टाइम पे, वो चिल्ला रही थी पता नहीं क्यों, मैं ब्लॉग बना रहा था ना तो बोली कि किस लैंग्वेज में बना रहा है, आज तो नहीं है यहाँ पे खड़ी होती है भाई परली तरफ। फिर ये इस लेडी ने समझाया कि ये दूसरी कंट्री से है और ये अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, पर है ना वो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर सासा ने बराबर बराबर कर दिया हिसाब, एक काम तो ठीक है। अभी भाई हम चीज़ बाय कर रहे हैं और क्रीम बाय कर रहे हैं, और भाई पनीर देख रहे हैं कौन से वाला अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि है ना यहाँ पे पनीर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का है, जैसे सोल्टी टाइप होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सोल्टी टाइप है भाई। और ये है भाई अचार की दुकान, हमेशा हम यहाँ पे आते हैं और अचार लेके जाते हैं, ये वाला सासा ये खाते हैं, हाँ गाजर ऑल्सो भाई सासा के लिए भाई ये ज़्यादा पसंद है, और मुझे वो पसंद है गाजर का पसंद है सबसे ज़्यादा, तो मैं गाजर वाला लेता हूँ भाई। और कोई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया है यहाँ पे, मशरूम ये सारे मशरूम हैं जितने भी हैं, और वहाँ पे गोभी वगैरह है, मिर्च वगैरह है, शिमला मिर्च है। What do you want? पनीर देखो बस सो के जिससे यहाँ पे ग्रेन एरिया है भाई ये पूरा एरिया, तो यहाँ पे हम यूँ देख रहे हैं कि चावल कोई अच्छी क्वालिटी के मिल जाए, क्योंकि है ना चावल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हैं, मोटे मोटे टाइप के हैं, वैसे वाले नहीं हैं जो अपने वाले होते हैं। आज सैटरडे है ना तो भाई लोग सारे आए हुए हैं, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे सभी का ऑफ होता है, तो ना सभी मार्केट में आते हैं, मोस्टली सभी आते हैं, तो 12 बजे तक। ओह दिस इज हाँ दैट टाइम वी दिस वन वेरी यूजफुल आई थिंक, नो दिस वन मेकिंग फॉर गाजर का हलवा, दिस पलो हाँ ओके ओके। आई डिडंट ईट दिस वन रेड वन, नाउ आई मिक्सिंग मिक्सिंग आई मिक्सिंग दिस ऑल आर सेम प्राइस हाँ ओके ओके दिस इज स्ट्रीट फूड एंड व्हाट दे मेक नॉन वेज व्हाट दे मेक नॉन वेज ऑल आर थिंग्स यहाँ पे ये स्ट्रीट फूड है भाई, दिस इज छोले भटूरे लुक लाइक दिस इज छोले भटूरे भाई सर्दी लग रही है सो लौटना पड़ेगा, अरे आई फील कोल्ड बेटर नाउ बेटर भाई, क्योंकि ना सर्दी लग रही है जोर की, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। अपना देसी वाला जुगाड़ सबसे बेस्ट रहता है भाई, कहीं पे भी रहो
भाई हर बार आते हैं यहाँ पे है ना, हमें सोल्टी वाला मिलता है यहाँ पे पनीर, और जो सोल्टी वाला नहीं है वो है ना पहले ही खरीद लेते हैं भाई सुबह सुबह लोग, तो उन्होंने कह रही है कि सुबह सुबह आना पड़ेगा आपको खाने के लिए। ओके सब्जी ओके Я тоже тут. Ай. Мы с вами в Индию поедем, Ешина. Не хочешь? He is going to India. Welcome. Не очень много у вас. А чего? Не очень много желающих с вами в Индию поехать. Да, я бы хотел бы погулять. Мы вообще одинаковые, да? Да, 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 да. Он более индейц. Hello. ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, थोड़ी छोटी सिटी है, तो है ना जब है ना आप मिलते हो तो है ना सभी लोग जानने लगते हैं आपको। मुझे नहीं पता भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, मुझे इतनी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, वो यूँ कह रहा है कि भाई है ना अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, एक नया फ्रेंड मुझे मिल गया है इंडिया से, तो मैं इंडिया जा रहा हूँ अभी। दशदानिया स्पेसी दानिया ओके। यहाँ पे भाई जब आप किसी से मिलते हो तो द्रास्ते बीच बोलते हैं, यानी प्रीवियत हो गया, हेलो हो गया ऐसे वाला, और जब आप जाते हो तो दशदानिया बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई फिर मिलेंगे आप लोगों से, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर भाई दाल वगैरह तो मिल गई लेकिन पनीर यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि ना सोल्टी वाला पनीर है, और हम जा रहे हैं दूसरी वाली शॉप के पास से जो रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पर अगर मिल गया तो बेस्ट है, तो हमारा अच्छा खासा फूड व्लॉग बन जाएगा आज, नहीं तो है ना भाई फिर कैंसिल है। मुझे यूँ लग रहा है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मॉस्को में तो अवेलेबल था और सेंट पीटर्सबर्ग में भी अवेलेबल था भाई ये पनीर, यहाँ पे नहीं है यार, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है क्यों अवेलेबल नहीं है पता नहीं भाई। But we just came late, she has sold out already. We're too much late. People come in the market 7 o'clock, 8 o'clock. Eh? And we came After 10. Oh. हम बहुत ज़्यादा लेट चले हैं भाई घर से, क्योंकि भाई लास्ट टाइम भी यही हुआ था हमारे साथ कि हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे और उस टाइम पनीर अवेलेबल ही नहीं था यहाँ पे। This sabji wala very happy with me. And he give me one santra. Santra he give me. And 2 rupee discount he made. भाई उसके आपने अगले अगले दांत देखे, सारे के सारे गोल्ड के थे भाई, और उसने मुझे एक संतरा दिया, बोला कि ये मेरी तरफ से और 2 रुपए का डिस्काउंट, भाई अमेजिंग, वाह दिस इज अमेजिंग। और भाई वो है ना सबको यूँ कह रहा कि मुझे इंडिया से कोई मिल गया है, मैं अगली बार इंडिया में जाऊँगा। With your name, what? He said, "My sabji, that much, acha hai. Then even Indians come to buy here." This is paneer or something else? Cheese? No. You ask less salt, no salty, the white one. Ah, paneer, this one. Last time we took this paneer good have no last time we took this kind of this one we took right this one we round took. One I not good this is good some last time we exactly same thing, right enough maybe enough how much gram have 300 300 gram maybe okay for 3 people yeah this I think this is भाई साहब ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा भाई, ये छोटा सा पैकेट पनीर का 300 ग्राम का 325 रुपए का दिया है भाई इन्होंने, 300 ग्राम का इतना महंगा, यानी 1100 रुपए के करीब भाई एक किलो पनीर यहाँ पे। जी जी लास्ट टाइम ऑल्सो इन सेंट पीटर्सबर्ग सेम एज इट इज एक्सपेंसिव। यस यू डोंट रिमेंबर? नो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं है भाई इतना एक्सपेंसिव था, मैंने
how much time I make paneer then I will count. यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है भाई, ऐसे क्रॉस करके और हम शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं भाई हमेशा। यहाँ पे भाई सर्दी लग रही है जोर से। 6 degree only है। This is 6 degree seriously। But see everywhere green tree। आज भाई बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, कसूता बैंकर वाला। अरे इसकी माँ ने कहा था घर से निकलने पहले कि है ना एक और जैकेट डाल ले क्योंकि ना बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी अब ज्यादा लग रहा है भयंकर वाला। अगली बार भाई जैकेट डाल के आऊंगा पक्का। फाइनली भाई मैं कुक करने जा रहा हूँ अभी पनीर, दाल थोड़े दिन बाद बनाएंगे। तो अभी डिसाइड किया है कि सबसे पहले पनीर बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे राई जो होते हैं थोड़े ही वो बनाने हैं और ग्रेचा होते हैं वो बनाने हैं। ये चीजें बनानी है भाई आज। चपाती भी मेक? maybe make but we lavash hai भाई chopping board हो गया। वेयर नाइफ है? दे चेक इनसाइड। नो हियर नॉट हैव। हां हियर है दिस वन। ओके आई विल चॉप नाउ एवरीथिंग एंड देन मेक ऑल सब। ब्लेंडर यू नीड? हां ब्लेंडर आल्सो आई नीड। सबसे पहले भाई मैं टोमेटो को इनका चूरा बना रहा हूं बिल्कुल, और फिर उसके बाद ओनियन का चूरा बनाना है, फिर शिमला मिर्च का चूरा, और इसमें थोड़ा अदरक डाल रहा हूँ भाई मैं अभी। ओह दिस ओनियन कमिंग, दिस इज नॉट गुड। ओह सही बना है भाई। ओके इसको भाई यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ मैं, इसमें आई थिंक आई विल पुट हियर। ओ ग्रेट भाई साहब, सारा टमाटर टमाटर हो गया मेरे पूरे उस पर, सारी टी शर्ट खराब हो गई भाई। जी जी दिस इज एक्स्ट्रा कमिंग टमाटर, दिस इज अदरक and this is mirch। bye I will cut on pieces। तो भाई मैंने है ना यहाँ पे पनीर काट लिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटा है, अच्छे तरह पीस बने नहीं है। और ये हैं जो मसाले हम इंडिया से लेकर आए हैं, देसी वाले मसाले हैं भाई, और इनको आज हम यूज करने वाले हैं। काफी टाइम से रखे थे, करीबन 2 महीने से रखे हुए हैं और आज हम यूज करने वाले हैं इनको। कहते हैं ना मसाले सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं सब्जी में किसी में भी, और मैं आज इसलिए सब्जी बना रहा हूँ क्योंकि है ना भाई काफी दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गया, सासा की मोम ही बना रही है बार बार, या सासा बना रही है, सासा ही बना रही है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और सासा की मोम को बहुत ज्यादा पसंद है भाई पनीर की सब्जी, तो मैंने आज डिसाइड किया कि ठीक है सासा की मोम आएगी उससे पहले मैं सब्जी बनाता हूँ, और जब सासा की मोम आएगी उसके बाद मैं सरप्राइज दूंगा कि आज मैंने आपके लिए ये सब्जी बनाई है, और देखते हैं भाई कैसा एक्सप्रेशन होता है कैसा नहीं होता मुझे नहीं पता आज। लेकिन अभी मैं फिलहाल प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके पोट रखते हैं यहाँ पे, इसमें घी डाल रहा हूँ मैं, देसी घी में बना रहा हूँ मैं, तेल में नहीं बना रहा, हाँ घी में बना रहा हूँ पूरी सब्जी। तो अभी इसको डालते हैं, थोड़ा गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें घी डालूँगा, नहीं तो छन 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 ज़्यादा वो आवाज़ आती है भाई। तो थोड़ा पानी सूख जाएगा इसमें पानी अभी, और फिर इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे घी की। अब इसके बाद मुझे जानना है भाई यहाँ पे मैंने ये निकाल लिए हैं अभी यहाँ पे,
और पहले सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ भाई यहाँ पे ये जीरा डाल रहा हूँ, और उसके बाद मिर्च और धनिया और ये है हल्दी वगैरह और गरम मसाला मैं इसके अंदर टमाटो के अंदर डालूँगा पूरा का पूरा। तो अभी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद जीरा डालते हैं भाई। स्मेल इतनी बेस्ट वाली है ना मसालों की भाई, ओ भाई गॉड भाई जबरदस्त वाली स्मेल है, ऐसे लगती है जैसे आना अभी अभी खेत से निकाल के लेके आए हैं। जीरा ओ दिस वन ऑन मे बी सबसे पहले लाल मिर्च, लाल मिर्च इनफ आई थिंक इनफ लाल मिर्च हल्दी ये किचन किंग है किचन किंग और भाई ये है धनिया, धनिया थोड़ा ज्यादा डालता हूँ भाई हमेशा में कुछ और बस बस गरम मसाला नहीं No, I put already everything. Okay. So, मैंने यहाँ पे डाल दिया। Oh, नमक, नमक, नमक remains ही। नमक है, this one. No, नमक, नमक, नमक। यहाँ पे नमक थोड़ा हाँ अलग तरीके का है भाई। No, this is mixed with different herbs. Ah, okay, okay. Same as masala नमक। You put, I don't know. क्योंकि भाई मैं नमक में हमेशा गड़बड़ करता हूँ, तो हमेशा मैं सासा को बोलता हूँ कि नमक तू डाल दे, अगर गड़बड़ हुई तो तेरे जिम्मे पे आएगी। ओ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। ओ अभी भाई इसको डालते हैं। ओ ओ ओ ओ माय गॉड वी नीड ओपन विंडो। डाल रहा हूँ भाई ये टमाटो। इसमें थोड़ा हाँ पानी ऐड करके फिर डाल दो। आज भाई मैं कुकिंग सिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, मत तो भाई जिसको नहीं आती है ना भाई सीख लियो आराम से वीडियो को बार बार देख के, ताकि ना भाई अच्छी वाली सब्जी बन सके। अभी भाई थोड़ी ही गर्म हो जाएगी, उसके बाद है ना इसमें पनीर डालना है, फिर इसमें जूस डालना है जो ऑरेंज जूस है, और अभी मैं ऑरेंज का जूस निकाल रहा हूँ क्योंकि है ना ऑरेंज के जूस से है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग आता है, ये मेरे फादर की रेसिपी है। ओके ओके भाई ये जूस रेडी हो गया, अब इसको जूस को इसमें डालते हैं। ये डल गया जूस और अब इस ब्लॉग है आज कुकिंग ब्लॉग है यस जूस, और इसके बाद इतना बेस्ट वाला टेस्ट आएगा ना भाई जबरदस्त का। Everyone eating shahi paneer, matar paneer, palak paneer. I will give you today juice paneer. Juice paneer. new recipe. New recipe. This is your mom recipe. No. This is my father recipe. Father recipe. My father experimental actually. Always he come and come in a home to say to my mom, okay, today we try to mix this one in a food like a different recipe he want to try always. Okay, now I will put this. इसके गैस के टेम्परेचर को बराबर करके छोड़ रहा हूँ और आधे घंटे के बाद संभालूंगा अब इसको, और बीच बीच में चेक भी करूंगा नहीं तो जल जाएगी भाई। जब तक सब्जी बनती है हम अपनी आइसक्रीम खाते हैं, तो आप भी आइसक्रीम खा लो भाई जाके, तो थोड़ी देर में मिलते हैं क्योंकि आधे घंटा लगने वाला है भाई। ब्लॉग तो कट हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में आ जाएगा, पर मेरे लिए तो यूँ है कि भाई आधा घंटा एक घंटा बैठना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फूड रेडी होगा।
तो अभी वेट कर रहा हूँ भाई मैं, कितनी देर लगेगी पता नहीं। अभी एक बार चेक करते हैं भाई इसको। अभी भाई एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। भाई साहब अपने वाले मसाले का टेस्ट है ना किलिंग वाला होता है भाई, हमेशा एक नंबर की जबरदस्त। सासा काम गरम गरम है वो? अमेजिंग टेस्ट, दिस इज अमेजिंग, आई फील अमेजिंग भाई। टेस्ट इतना जबरदस्त वाला आया ना भाई, भाई जूस के कारण आता है भाई ये टेस्ट ऐसे वाला और अमेजिंग। बस भाई अब सासा की मॉम का वेट कर रहा हूँ, कितनी देर में आएगी कोई पता नहीं है, क्योंकि है ना नॉर्मली 6 बजे आ जाती है और 6:30 हो चुके हैं और हमने कॉल किया था, मोबाइल जो है स्कूल में ही भूल गई, वहाँ पे पिकअप किया था, वो बोले कि आज भूल गई यहीं पे। तो भाई पता नहीं भाई कितनी देर में आएगी, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन आएंगे जो रियल वाले हैं। अभी वेट कर रहा हूँ भाई। मम्मा यू डिड हेयर कट, यू लुकिंग वेरी गुड, अमेजिंग, ब्यूटीफुल यू लुकिंग। हाउ टू से इन रशियन लैंग्वेज? क्रेसिवा Пани. Ручки появились. Yes, I fix this one also, everything. То есть карма решил нет, я ручки ставить, да? यहाँ पे भाई अलमीरा वगैरह बनाई है, ये आपको अगले वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ना इसका वॉलपेपर वगैरह रह रहा है, उसके बाद मैं उस ब्लॉग को डालूंगा प्रॉपर तरीके से। तो मैंने बनाई है ये, अभी कुछ ऐसी लग रही है, आपको पहले ही देखने को मिलगी, नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे ये आपको कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई है प्रॉपर तरीके से। तो अभी तो फूड ब्लॉग पे फोकस करते हैं भाई। ओके मम्मा कम फॉर यू, आई मेक एवरीथिंग। मेरे वाली देखिए इसकी हाउ आर गोइंग हाउ का कुछ ना टेस्टी गो ये जैसे प्रग्लाचो टेस्टी कुछ ना वैसे ही था भाई, पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, वैसे ही था। हमने भाई दिन में खा लिया था तो अभी भूख नहीं है, सिर्फ मॉम का ही वेट कर रहे थे कितनी देर में आएंगी, और मॉम के लिए हमने बनाया था। अभी ग्रेचा और बनाए हैं हमने, ये ग्रेचा कुछ ऐसे लगते हैं भाई, यहाँ पे ऐसे होते हैं, ये सेम एज इट इज वैसे ही होते हैं, वो बाकली बोलते हैं ना अपने, तो वहाँ पे बाकली वगैरह बांटते हैं भाई, हरियाणा में बांटते हैं बाकली वगैरह, तो वैसा ही कुछ होते हैं ये थोड़े थोड़े जो गेहूं के होते हैं, यहाँ पे ब्लैक व्हीट बोलते हैं इनको, तो उसके बने होते हैं। तो अभी तो फिलहाल भाई ये ब्लॉग फिनिश करते हैं, तो सारे राम राम, सारे खुश रहो, हर खुशियां बांटते रहो, राम राम जी, मामा राम राम जी, राम राम जी।